यार फ्रेंड्स, अभी जो आप मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो, एक पुलिस का डंडा है और आज मरने वाला हूँ मैं एक पुलिस ऑफिसर जो वाइस टाउन के सभी चोरों की पुंगी बजा देगा। अरे लो पिलो, तू कभी भी पुलिस नहीं बन सकता, तेरी तो शक्ल ही चोर जैसी है। अरे आज तो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जब मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा तो सबसे पहले तेरे को ही जेल में डालूंगा। तो हेलो यार पुलिस वाले भैया, क्या मैं भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बन सकता हूँ? अरे रो पिलो, तेरे को नहीं पता कि पुलिस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती और वहाँ पे कितने बड़े बड़े केस आते हैं। अरे यार भैया, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास जो भी केस आएगा मैं उसको चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। अच्छा ये बात है, तो अभी मैं तेरे को पुलिस ऑफिसर तो बना दूंगा, लेकिन तेरे को उससे पहले एक केस सॉल्व करना पड़ेगा जिसके अंदर वाइस टाउन के अंदर एक चोर है, तेरे को उसको पकड़ना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, मैं आज के अंदर वो केस सॉल्व कर दूंगा। ए, तू जा रहे रो फिर, वो केस सॉल्व में 10 साल से नहीं कर पाए, तू एक दिन में कैसे कर देगा? वो मैं कर दूंगा। तो चल फ्रेंड्स, अभी हम जल्दी से हमारा पहला केस सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो यार मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरे को वहाँ पे जाने में बहुत साल लग जाएंगे। तो देखो, अभी मैंने ये ब्लू कलर वाली कार भी चुरा ली है और अभी इसी कार से मैं उस चोर को ढूंढूंगा और वो चोर मेरे को जहाँ पे भी मिल जाएगा मैं उसकी चटनी बना दूंगा। मैं हूँ वाइस टाउन का सबसे खतरनाक चोर बब्बू चोर और अभी मैं इस आदमी के पॉकेट काटने वाला हूँ। हेलो भाई, क्या आपको दुबई जाने का लता पता है? मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरे को यही पटक के मारूंगा। अरे इतने मानने वाली क्या बात है यार भाई, मैं तो आपसे दुबई जाने का लता ही तो पूछ रहा था। तो देख क्या प्लान, अभी मैंने बातों के अंदर इस आदमी की पॉकेट भी मार ली है। तो अभी हम जल्दी से इसकी पॉकेट को खोल कर देखते हैं कि माल को कितने पैसे मिले। अरे वो यार, इसके अंदर तो मेरे को पूरे 5,000 रुपए मिले हैं, लेकिन इतने तो पैसे दे तो कुछ भी नहीं होगा, तभी मेरे को और कुछ भी करना पड़ेगा। तो देख यार, मेरे को सामने COVID-19 वाली वैन दिखाई दे रही है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं COVID-19 वाली वैन चुरा लेता हूँ। लेते बेहतर बहुत ज्यादा मिल बन जाऊंगा, लेकिन रस्ते के अंदर लोहे की दीवारें कौन बना देता है? तो अभी मैंने इन दीवारों को भी तोड़ दिया। तो देख फ्रेंड, फाइनली अभी मैंने COVID-19 वाली वैन का दरवाजा तोड़ दिया है और अभी मैंने इसको तुला भी लिया, आते ये काल मेल हो चुके। मैं इतने बैठकर बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लेकिन यार यहाँ पर तो ये आदमी मेल तो फालतू में ही मारने लग गया, मैंने तो इसका कुछ किया भी नहीं है। लेकिन अभी इसको बताना पड़ेगा कि बब्बू चोर कौन है, नहीं तो ये ऐसे ही गोलियां चलाता रहेगा और मेरे को मार देगा। तो देखो अभी मैं टालते बाल भी आ चुका हूँ। ए रुक जा, तेरे को तो अभी मैं बताता हूँ, बता तू मेरे को मार को लाए। अरे मैंने तेरे को देखा, तूने COVID-19 वाली वैन चुरा लिया, रुक जा, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, फिर वो तेरे को पकड़ कर जेल में डाल देगी। अरे यार प्लीज, देता पुलिस को फोन कर लेता, इतना फोन तो मैंने तुला भी लिया और इसको पता भी नहीं चला है। तो देखो अभी मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन ये तो मेरे को मारता ही जरा, लेकिन फायदा नहीं मिले, इसका फोन तो तुला ही लिया है। बोली पास दो फोन था, वो ये था पैसा फोन नहीं, बिल्कुल iPhone 14 Pro Max था, इसकी कीमत लाखों में है। इसे बेच कर तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, तो अभी मेरे को यहाँ जल्दी से जल्दी तलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को गोलियां चला चला कर ही मार देगा। अरे यार फ्रेंड्स, ये तो मेरे को वही चोर लग रहा है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बताया था, तो अभी मेरे को जल्दी से जल्दी उनको कॉल करना पड़ेगा। तो हेलो पुलिस ऑफिसर सर, मैंने आपको फोन पर एक लोकेशन सेंड कर दिया, आप जल्दी से वहाँ पर आ जाइए, मैंने उस चोर को यहीं पर देखा है। अरे बब्बू चोर, मैंने तेरे को कहा था ना एक दिन मैं तेरे को जरूर पकड़ूंगा, तो देख अभी मैंने तेरे को पकड़ लिया, अब तू हमेशा के लिए जेल में सड़ेगा या फिर तेरे को फांसी होगी। पुलिस वाले तू टेंशन मत ले, मैं इस जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही दूंगा। अरे पागल, इस जेल की दीवारें तेरी चड्डी के छेद से भी ज्यादा मोटी है, इसे तू कभी भी नहीं तोड़ सकता और तेरा यहाँ से बाहर निकलने का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे यार लब्बे तातलु, मैंने तो तेरे तू बच्चे 5,000 रुपए कमाई चोर, 5,000 रुपए में ये पुलिस वाले मेरे को नहीं तोड़ने वाले, अब तो मेरे को ताली जिंदगी भली जेल में ही तलना पड़ेगा। तो देख कर फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं पुलिस भी बन चुका और पुलिस वालों ने मेरे को ये वाली ड्रेस, ये गन और ये वाली कार दे दी, आज से ये कार मेरी हो चुकी है। चलो अभी हम जल्दी से इस कार के अंदर बैठकर गेड़िया शेड़िया मारने के लिए चलते हैं। अरे मैं एक पुलिस वाला हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं जो तुम मेरे से ऑटोग्राफ मांग रहे हो, लेकिन इसको छोड़ फ्रेंड्स, अभी तो हम जल्दी से गोवा वाले बीच पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम डांस करेंगे। लेकिन ये क्या हो गया यार, ये कार तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रही है और देखो ये तो पानी में चली गई है। तो पुलिस ऑफिसर सर मेरे को बहुत ज्यादा डांट लगाएंगे, लेकिन अगर किसी एरे गेरे पुलिस वाले ने मेरे को डांट लगाई तो मैं उसको इसी गोली से मार दूंगा। अरे रो पीरो, रुक जा, अभी तो मैं पुलिस ऑफिसर सर को फोन करता हूँ कि तूने उनकी कार पानी में कूदा दी, फिर वो तेरे को सस्पेंड कर देंगे। अरे तू उनको तब बताएगा ना जब तू जिंदा रह पाएगा, रुक जा, अभी तो तेरे को मैं इस गन से मार देता हूँ। तो देख फ्रेंड्स, अभी मैंने इस पुलिस वाले को भी मार दिया है, अब मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो और पुलिस वाले आ गए हैं, लेकिन मैं किसी से भी डरूंगा नहीं। तो देखो मैंने इसको भी मार दिया है, और अगर आप जानना चाहते हो आगे क्या होगा तो इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दो।